हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मटर की खेती के ऊपर। मटर की फसल पर अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है और कई किसान भाइयों की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन पर इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलने लगा है। तो कुछ ऐसी इल्ली का प्रकोप है जो पत्ती को भी खा रही है और साथ ही फूलों को भी खाने वाली इल्ली की रोकथाम का हम शानदार उपाय और तरीका बताने वाले हैं, जो कि सस्ता है और काफ़ी अच्छा है। तो इल्ली की रोकथाम तो आप कर ही पाएंगे, साथ ही आपकी जो मटर की क्रॉप है उसकी वनस्पतिक बढ़वार वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है, पीलापन दूर होने वाला है और फल और फूल की संख्या भी काफ़ी अच्छी आने वाली है। जो फूल ड्रॉप की समस्या आती है, फूल ड्रॉप की समस्या से भी आप आसानी से निजात पा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फंगस की, तो आप फंगस को भी सस्ते पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारी जो आने वाली लगने वाली फलियां हैं उन पर कोई भी प्रकार के फंगस का प्रकोप देखने के लिए ना मिले, जो हमारा उपज है काफ़ी बढ़ सके और जो फलियां हैं दाने की संख्या भी ठीक तरीके से बढ़ सके, जिससे हमको काफ़ी अच्छा उपज प्राप्त हो सके। तो वे कौन सी दवाइयाँ हैं मटर की क्रॉप पर, किस स्टेज पर आपको स्प्रे करना चाहिए और आपको डोज 15 लीटर पानी में कितना घोल करके छिड़काव करना है, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं मटर की फसल। तो मटर की फसल पर इल्ली के साथ साथ फंगस की रोकथाम करने के लिए और वनस्पतिक बढ़वार को ठीक तरीके से बढ़वार हो, तो उसके लिए आपको जब मटर की क्रॉप 25 दिन से लेकर 50 दिन के मध्य होती है, तो आप कभी भी 15 लीटर पानी में एमामेक्टिन वेंजोएट 5% SG को आपको 8 ग्राम लेना है, M45 मैंकोजेब 75% को आपको 40 ग्राम लेना है और सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है, जो कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, जो कि हमारी फसल बढ़वार के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, इसको 40 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा और बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने से फूल और पत्तियों को खाने वाली इल्ली पर आप बड़ी ही आसानी से कंट्रोल और रोकथाम कर पाएंगे। और मैंकोजेब 75% ले रहे हैं, जो कि प्रिवेंटिव के रूप में फंगस की रोकथाम करने वाला है, और एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर ले रहे हैं, जो कि न केवल हमारी फसल की हाइट को बढ़ाएगा बल्कि हरी भरी फसल को बनाकर फल और फूलों की संख्या को भी बढ़ाने वाला है और वनस्पतिक बढ़वार को भी काफ़ी स्वस्थ रखने वाला है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप 15 लीटर पानी की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे और बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो पर बताया था कि जब मटर की क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पर हो, तो आपको हैवी रेंज की कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे नहीं करना चाहिए, जैसे कोराजन है, फेम है, एम्पिलिगो जैसी दवाइयों को आप स्प्रे नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो एमामेक्टिन वेंजोएट के बजाय प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साफरमेथ्रिन 4% EC का भी स्प्रे कर सकते हैं। इमीडा क्लोरप्रेट प्लस वीटा साइफ्लोथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा बायर कंपनी की लार्वन इंसेक्टिसाइड आती है, उसका भी आप चाहें तो स्प्रे ले सकते हैं। तो जो कोराजन है, फेम है या फिर एम्पलीगो है, तो एम्पलीगो का यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो मटर की क्रॉप पर किस स्टेज पर स्प्रे करना चाहिए, जब मटर की फसल पर हैवी इल्लियों का प्रकोप हो चुका है और मटर की क्रॉप फलियों की स्टेज पर है, तब आप चाहें तो हैवी रेंज की कीटनाशक दवाइयों का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने मटर की क्रॉप पर सस्ते पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कस किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।